ये है ग्वालियर की ठंड। कितना तेज दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप एकदम बढ़िया हो गए, पर हमारे घर में कुछ लोग बढ़िया नहीं है। दिखाता हूँ आपको क्या हो गया, बताओ। तो पेट दुख रहा है। टाइम देखो हो रहा है कितना, रात में बज रहे हैं 3, ठीक है। और कब पेट दर्द स्टार्ट हो गया है, तो मैं अभी इधर बगल वाले कमरे में सो रहा था तो अंकुर ने जगाया। और अंकुर को देखिए, एकदम हीरो बन के लड़का हमारा तैयार है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी स्टेशन तक। इसकी दवा अगर मिल जाएगी, कोई मेडिकल स्टोर खुला रहेगा तो वहाँ से दवा ले लेंगे, और नहीं खुली होगी तो एक काम करेंगे, इनो ले लेंगे या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ ले लेंगे। तो उसका ऐसे जो पेट में इसके गैस बन रही जलन हो रही, जलन गैस जो बन रही है वो सही हो जाएगी। और इसके चेहरे से देखिए, मुझे लग हिलाए डाल रही है कम्बल। और अंकुर भाई तभी इतनी रात में उठे, वरना घंटा नहीं उठते वो इतनी रात में, गंद के मारे परेशान हो गए। और एक चीज और दिखाता हूँ, अंकुर भाई गट्टू। तो अभी बहुत भयंकर घना कोहरा हो रहा है और निकलना है अभी हम लोग, ग्लव्स व्लव्स पहन के। चलो आपको दिखाता हूँ रास्ते का माहौल पूरा कैसा हो रहा है। गाइस कोहरा देखो, ऐसी ठंड में अपन निकल रहे हैं। अब मैं कैप पहन लेता हूँ, चलते हैं। ये लोग बोलते हैं चले चले, चल चल चल, ग्लव्स पहन लो। और मेरी कैप, ये रही मेरी कैप। मम्मी को कहाँ जगा रहा हूँ? क्या हुआ? मम्मी को कहाँ जगा रहा हूँ? इस बाथरूम का गेट बंद कर दिया, तो इस कुंडी पर धक्का ले लिया। जगाना तो जाके खटखटा दो ना कि जग जाओ मौसी, जग जाओ। तो भाई इसमें चोरी करने जा रहे हो क्या भाई? चोरी करा रहे, तो फिर भी एक माँ को चिंता तो होती है, उसके बच्चे दोनों बाहर गए रात में। अच्छा ग्लव्स पहन लो, ग्लव्स पहन लो, तुम पहन लो ग्लव्स। गाड़ी तो तुम्हें चलानी है बेटा, ब्लॉग बनाऊंगा, ब्लॉग ब्लॉग। देखिए हमारी शिवी की गर्दन गायब हो जाती है, कछुआ है, कर दो शिवी ये गर्दन बाहर, ये अंदर। पेट दर्द हो रहा है? कितना तेज बहुत दर्द हो रहा है? बहुत तेज दर्द हो रहा है, कितना तेज दर्द हो रहा है? बहुत तेज दर्द हो रहा है, कहते कहते कैसे होता है, कैसे होता है? चोरी छुपे चाबी लाता हुआ, गाइस मैंने कैप पहन ली है। और ये देखो मेरी आंखों के नीचे क्रीम लगा रखी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, वापस आके बताऊंगा क्या हुई थी। तो चल रहे हैं, देखो बाप रे खतरनाक कोहरा हो गया गाइस। ये देखो रात में इनसे उम्मीद थी कि बहुत शांति से ताला खोलेंगे, पर इनने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। कोहरा देखो आप, कोहरा कितना सही हो रहा है। तो गाइस ये आलम है कोहरे का, मुंह से धुआं निकल रहा है। ऐसे में अपन जा रहे हैं, मतलब ऐसे मैं गया हूँ जब मैं फतेहपुर में रहता था, तब इतनी रात में गया हूँ, इतने इससे भी ज़्यादा कोहरा था तब तो। और अभी अभी अपन जा रहे हैं, ये देखो चोरी छुपे बाइक निकाल रहा है, पीछे एक्स देखो कितना कोहरा उड़ रहा है कैमरा में देखो। ठीक है गेट तो खोल दिया करो, आधे गेट एक्स लिखा हुआ गाइस एक्स। तो भाई कहाँ पार्टी वार्टी में जा रहा है क्या? चलो गेट बंद कर लेते हैं और चलते हैं अपन। रास्ते में व्यू दिखाता हूँ आपको पूरा। कोहरा इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे कल बारिश भी हुई है, अभी कल रात में बहुत बारिश हुई है। ये देखो पूरी रोडों में पानी भर गया है। ये है ग्वालियर की ठंड। चोर आदमी हमेशा चोरी करता हुआ आएगा। देखिए गाड़ी नहीं स्टार्ट करने की मम्मी ने, देखो। आप लोगों ने कभी इतनी रात में कहीं ट्रेवल किया इतने कोहरे में बताना ज़रूर। और
व्लॉग में बने रहना ताकि आपको पता चले कि दवा मिली या नहीं मिली। बचपन की याद दिला दी जब चोरी छुपे घर से साइकिल निकालते थे। तो बेटा इसी से पैदल ही निकल चलेंगे। हाँ जो तुम बोल रहे थे ना पेट्रोल फुल है। फुल है, खोलो दिखाओ। लग रहा नहीं है कि फुल। हटो हटो गाइस, लाइफ चेकअप हो जाता है। देख रहे हो गुरु, उसका मीटर ना थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। चलिए गाइस, नन्हे नन्हे पैरों से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और मेरा विश्वास है कि आपको इस अरे ये गाना नहीं था, श्री राधे। तो मेरा विश्वास है कि आपको इस काल्पनिक यात्रा से अरे अरे दो मिनट बेटा। तो मेरा विश्वास है कि आपको इस काल्पनिक यात्रा से वास्तविक यात्रा का ही अनुभव होगा। मतलब कल्पना में ना आए भाई, जिस हिसाब का कोहरा है कल्पना में आएंगे अपन किसी के। गाइस ये भी अपने आप में एक एडवेंचर है, क्योंकि बजट था नहीं तो कुल्लू मनाली घूम नहीं पाए। तो फिर और गया किससे था भाई, प्राइवेट जेट से भी आता है। मतलब हेल्थ कॉन्शियस ठीक है, लेकिन सुबह सुबह भाई 3 बजे है ये निकाल दिए गए अपने। हमें लग रहा है सोए भी थे कि सोए नहीं थे। गाइस देखा आप लोगों ने, मतलब हेल्थ कॉन्शियस लोग कितने हैं। वो दादा और दादी जी पौने 3 बजे हेल्थ कॉन्शियस नहीं, 3 बजे टहलना नहीं चाहिए इतने कोहरे में। मतलब रिस्की भी होता है थोड़ा। मैं ये बोल रहा हूं जहां हम रह रहे हैं सबसे बड़ी बात है वहां पे हो रही है चोरी आजकल। सोने की चेन को चुरा ले जाएगा तू। मुझे मतलब ऐसा सही नहीं लगा कि इतनी रात में, और अभी अंधेरा दिखा रहा हूं यहां पे, कुछ एक लाइट नहीं जल रही। देखो अब उधर से गाड़ी आ रही है तो आपको लग रहा होगा, बट बहुत अंधेरा है। इतना जरूरी नहीं इतना दिन में टहलना। बाकी सबको पता है मैं तो सुबह जाता हूँ मॉर्निंग वॉक पे, 2-2.5 बजे निकल जाता हूँ और 4 बजे तक वापस आ जाता हूँ। क्यों एज यूजुअल मी टू। ये देखिए कोई एक गाड़ी नहीं है यहाँ पर भाई। ग्वालियर की ठंड मान गया इस बार मना। राधे 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 पहाड़ी राधे राधे कैंसर इसमें राधे राधे डीडी नगर में सिटी सेंटर में तंबू में हजीरे में गोले के मंदिर राधे 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 बरसाने वाली राधे। भाई ऑटो जा रही है और यहाँ चेंजिंग कर रहे हैं हम भाई। ये कुछ नहीं दिख रहा है आगे, नहीं कर रहे भैया, सीधे चुपचाप चल रहे हैं पीछे, ठीक है, ताकि रोड दिखती रहे। ये हम आ गए हैं पिंटो पार्क में और ये उल्टे साइड से गाड़ी आ रही है। सुबह सुबह 3 बजे की बात है, चले आ रहे हैं बदल में। यहाँ पे कोहरा थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू उधर पे, क्योंकि उधर पेड़ ज्यादा थे इसलिए वहाँ कोहरा था। अभी यहाँ पे कोहरा कम है। और हमारे अंकुर भाई की शादी यहाँ से हुई थी। अच्छा आगे वाले थे गुरु जी। अच्छा और आगे था इससे हुई थी अंकुर की शादी हमारे, और आज भी किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हाँ मतलब सॉरी भाई, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, मेरी जिंदगी आबाद हुई है। नाइस नाइस यार। ये आ गए हम पिंटो पार्क में और वो लिखा है पिंटो पार्क, और ये 2 छोटे बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो बहुत गालियां देगी। और अब हम आ गए गोले के मंदिर में जो पिंटो पार्क से थोड़ा सा आगे पड़ता है। और ये बहुत तेज गाड़ी आ रही है, आराम से हवाई जहाज की तरह लेके आ रहे हैं, जबकि आगे कुछ दिख नहीं रहा। इसकी स्पीड में नहीं चल रही हो गाड़ी, फालतू में क्यों व्लॉग में भाई, तेज नहीं है। अबे 30 की स्पीड में भी नहीं है अपनी बाइक। अच्छा भाई मुझे लगा यार ऐसा, एक तो कोहरा इतना है ना तो सारी गाड़ियां तेज लग रही है। ऑलमोस्ट स्टेशन आने वाला है और ये हम लोग आ गए स्टेशन। और ये मॉल रहा, डीबी मॉल,
इस टाइम पे देखो कितनी चहल पहल है यहाँ पे, बट को उधर से घूम के आना पड़ेगा क्योंकि इधर यू टर्न नहीं है बीच में। घूम के आते हैं और देखते हैं, कोई मेडिकल स्टोर तो दिखा नहीं रास्ते में। स्टेशन में है कोई मेडिकल स्टोर? स्टेशन में बंद है। बंद हो गया क्यों भाई? भाई मेडिकल है बंद हो गया, घर पे आना अपनी बीवी। अच्छा इसलिए बंद हो गया क्या? मेरे को लगा कोई प्रॉब्लम आ गई। ये रहा स्टेशन, ये होटल है एम्बियंस और इधर अंदर स्टेशन है। गाइस देखो कितना अच्छा स्टेशन सजा हुआ है, पूरा सैफ्रॉन वाइट और ग्रीन से, और वो देखो तिरंगा। तो सब लोग बोलो भारत माता की जय, और चलते हैं अपन दवा ले लेते हैं। बोल भाई भारत माता की जय। गुड। तो अपना अंकुर गया क्या? तो गाइस हमने ले लिया पोहा और चाय। लोग कितने लोग हैं चाय पोहा खाने वाले यहाँ पे? हमारे अंकुर भाई के हाथ में कोई चाय गिरा के चला गया। क्या हो गया भाई? अच्छा ये अंकल गिरा के। गाइस दवा के नाम पे हमें ये मिला है, इससे भी गैस सही हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। तो बस लेके चलते हैं इसको घर। तो जस्ट मेरे पीछे है मेला, मेला लगा हुआ है बहुत बड़ा है यहाँ पे। आपको पता है ग्वालियर का मेला कितना बड़ा होता है? तो भाई फाइनली अपन आ गए हैं वापस, और ये बनते ऊपर ये कोल्ड ड्रिंक ले आए हैं, जा रहे ऊपर वो ताला बंद करने जा रहा है। वो मौसी जगी नहीं होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं जगी होंगी। तो अपन चलते हैं ठीक है, ताला बंद करके ऊपर चुपचाप। शिवी देखो जग रही है अभी तक। हाय शिवी। घंटा लग गया आप लोगों को। हे बेटा दुकान स्टेशन में खुली नहीं थी कहीं पे भी, फूल बाग से लाना पड़ा। क्या जरूरत थी आ जाते? अरे स्टेशन क्या धीरे धीरे कोहरा बहुत था। और ये कह रहे फूल बाग से लाना पड़ा? नहीं सही कह रहा हूँ, फूल कोहरा बहुत था। डिसाइड कर लिया करो। अरे वो क्या कह रहा है, कोहरा बहुत था। ये देखिए एक पति कैसे डांट खाते हैं पति भाई से बेचारे के लिए। एक तो लेने गया इतनी ठंडी में, उसका एप्रिसिएशन नहीं। पर कोई बात नहीं, हम मर्दों के साथ ऐसा ही होता है यार। एक घंटा और दस मिनट चाय पीपो खाली। मार 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 मार। अपने मुझे करने गए थे ना, ये बोलो तभी तो फोर्स कर रहे थे मुझे बार बार। चला 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 तो। गाइस यही सब एंजॉय जो है मैं मिस करता हूँ जब मैं अकेला हो जाता हूँ। शिवी तो इसने गलत किया वैसे। सॉरी सर, कट कट गाइस। आप लोगों को तो सोना है, दस दस ग्यारह बजे तक सोओगे। और भड़ास निकाल लो मन की सारी। गाइस देखा ठंडी में इतना आपको रास्ते पर दिखाया है हम लोग कैसे गए, लेकिन उसके बाद भी भाभी डांट रही हैं। तो यही होता है हम लोगों के साथ क्योंकि हम मर्द हैं यार। चलो कोई मर्द हैं, हमने चाय पी ली, हमने पोहे खा लिए रात भर में, हमने अपने पूरे सारे मजे लूट लिए। सामने वाला लेटा है परेशान हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। ये है अंकुर, ये गए थे चिंता करने हमारी। मेरा कोई मतलब नहीं है, खुद फूट फांस के आ रहे, चिंता कर रहे थे। जो पति है वो समझ लेगा। गाइस गाइस मैंने अपने बाल छोटे करा लिए, बताओ कैसे लग रहे हैं? और काफ़ी बड़े हो गए थे यहाँ तक, अभी अपन छोटे करा लिए हैं, थोड़ा रिलैक्स रहेगा। और दूसरा मेरी आँख में ये प्रॉब्लम हो गई थी कि ये पता नहीं क्यों स्वेल्ड हो जाती है। साक्षी की शादी के बाद से शायद बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, सोए नहीं अपन टाइम से, उसकी वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन कुछ हो गया था एलर्जी टाइप। तो दिखवा लिया डॉक्टर को और ये सारी दवाएँ भी मिली हैं तो ले लिया अपन। चार बज चुके हैं और हम मैं जा रहा हूँ सोने, चेंज कर लिया तो सोते हैं अपन। सुबह उठ के दिखाते हैं, कल 26 जनवरी भी है तो हैप्पी रिपब्लिक डे सभी लोगों को। चलते हैं सोने और उसके बाद सुबह मिलता हूँ, सुबह बात करता हूँ आप लोगों से।